मैं चाहती हूँ मेरे हर वीडियो के साथ आपको कुछ सीखने को मिले। Morning food fam and welcome to my world of sinful eating. आज हम खाने वाले हैं chicken for 24 hours. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है. आज के इस वीडियो का टारगेट, बाय द वे टारगेट देखिए फायदा क्या, आप लोग लास्ट वीडियो में तो टारगेट कंप्लीट किए नहीं, आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, मैं आप लोग की रिक्वेस्ट तो फुलफिल कर देती हूँ बट आप लोग टारगेट नहीं फुलफिल करते हो. तो आज के इस वीडियो का टारगेट इज 12,000. जल्दी से लाइक करो बिकॉज दैट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर डिलीशियस या मिलीशियस एंड हेवनली सिनफुली डिलीशियस कंटेंट For you all people. And ha, I really want to thank each one of you millions and zillions and trillions of time because we are so close to Wildlife Food family. So please make sure ki aap channel ko subscribe kare and also make sure to follow me on Facebook and Instagram for daily yummy-licious updates. अभी फॉर द ब्रेकफास्ट आई एम गोइंग टू मेक सम चिकन डोनट्स. गाइज एक चीज बोल दूँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर सम वेरी इजी एंड डिलीशियस रेसिपीज टुडे. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये सारे आइटम्स जो है ना मैं हमेशा सोचती थी बहुत हाई तौबा है, ये सब बनाना लाइक वेरी टफ, इट्स वेरी इजी, इट्स लाइक आई कैन नॉट इवन इमेजिन कितनी इजी हो सकती है. तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट बनाते बिकॉज आई एम रियली वेरी हंग्री. चिकन डोनट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम्स चिकन ले लिए हैं, बोनलेस चिकन. आई हैव टेकन वन पीस ऑफ लेफ्ट ओवर ब्रेड, लिटिल कोरिएंडर, वन मीडियम साइज चॉप्ड अनियन, टू थ्री चॉप्ड ग्रीन चिलीज, हाफ मीडियम साइज ग्रीन कैप्सिकम एंड आई हैव टेकन वन मीडियम साइज बॉइल्ड पोटैटो. सो अभी हम इन सबको ग्राइंड कर लेंगे. अब मसाले के लिए आई एम एडिंग 1/4 टेबलस्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट. अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे. मिक्स होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है. अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावर के बाद इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स. आप देख सकते हो टेक्सचर कुछ ऐसा होगा. नाउ डोनट बनाने के लिए मैंने अपने हाथों को थोड़ा ग्रीस कर लिया है विद सम ऑलिव ऑयल. आई टेक वन पोर्शन. So finally, my delicious, 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 simply delicious chicken donut is ready. Comment करके बताइए देखने में कैसा लग रहा है. So आप देख सकते हो इसका shape काफी अच्छा आया हुआ है. This is so crisp. And आप देख सकते हैं एकदम donut shape में है. इसके साथ मैंने ले लिया है tomato ketchup and mayonnaise. Ready with Vidya? Vidya, are you excited? I am very excited. Whenever I cook something new, now मैं बहुत excited होती हूँ. Wow, this looks so good. Look at the capsicum and green chilies and coriander. Wow, ये खुलते एक बहुत अच्छा सा खुशबू है ना. Wow, wow, अंदर का जितना ingredients है ना उसका मसाला is just too good. And इतना crisp और इतना soft है, I cannot tell you. So soft as you can see. एंड इसके अंदर जो मैंने कटी हुई मिर्ची दी है ना, वाह, कटी हुई मिर्ची की वजह से टेस्ट बहुत अच्छा रहा बिकॉज हर बाइट में वो कटी हुई मिर्ची एंड शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत उमदा टेस्ट आ रहा है. क्वाइट अ फिलिंग ब्रेकफास्ट, वेरी इजी टू मेक एंड वेरी डिलीशियस. ये आप नॉर्मली इवनिंग स्नैक्स में भी गेस्ट को भी आप सर्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. Fab, fab.
इसमें पेरी पेरी क्यों नहीं डाली? पेरी पेरी डालने से तो और अच्छा होता। कसम से बोला तो जब बना रही थी तो बोल नहीं पाया था। अब मेरे को लगा तेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है तो डालेगी। ओके सो अभी हो गया है लंच टाइम एंड लंच में अभी आई एम गोइंग टू मेक चिकन स्टेक विथ सौते वेजीज एंड मैश पोटैटो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मुझे जब मैं रेस्टोरेंट्स में खाती थी ना मुझे लगता था ये बहुत ही हार्ड डिश है, बट इट इज़ सो सिंपल, लाइक सो फ्रीकिंग सिंपल रेसिपी। तो चलिए उसको बनाते हैं और देखते हैं हाउ दिस टर्न्स आउट टू बी। आई एम सो एक्साइटेड बिटू, आर यू एक्साइटेड टू ट्राई? क्योंकि एक डिश तो यू हैव थरली एंजॉयड। ये वाला कैसा लगा? चलो ये वाला और चिकन हैंगे। और चिकन हैंगे बिट्टू भैया, लास्ट चिकन। तो चिकन स्टेक बनाने के लिए हम यहाँ पर दो पोर्शन चिकन ब्रेस्ट का हमने ले लिया है। अब इसको हम फोक से अच्छे से पिन कर देंगे सो दैट जब हम मैरिनेट करेंगे तो मसाला अच्छे से चले जाए इसके अंदर। मैरिनेशन के लिए मैं ले रही हूँ गार्लिक, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स पून फिश सॉस, 1 टेबल स पून विनेगर, 1 स्पून ऑलिव ऑयल, अप्रॉक्सीमेट 1/2 टेबल स्पून पार्सले, थोड़ा सा ऑरिगैनो, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। नाउ वी विल मिक्स दिस मैरिनेशन। सो दिस इज़ हाउ माई मैरिनेशन लुक्स नाउ। अब हम जो चिकन ब्रेस्ट हैं उसको इसमें प्लेस कर देंगे। अब इस मैरिनेशन को हम 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। चिकन स्टेक के साथ आई एम मेकिंग सम सौते वेजीज एंड सौते वेजीज के लिए आई हैव टेकन सम येलो एंड रेड बेल पेपर, येलो एंड ग्रीन जुकीनी, बेबी कॉर्न एंड लास्टली सम बटन मशरूम। तो चलिए इन सबको चॉप कर लेते हैं। इसमें आपको वेजीज में कोई शेप का कुछ वो नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर शेप रखना पड़ेगा और समथिंग, वट एवर शेप्स और साइज यू लाइक यू कैन कीप। आई लव टू ईट इन दिस वे, बड़े बड़े, लाइक आई कैन सी, मुझे ऐसे बड़े बड़े चंक्स खाने पसंद हैं जहाँ मुझे दिख रहा है कि हाँ मैं ये मशरूम खा रही हूँ या मैं ये बेल पेपर खा रही हूँ या मैं जुकीनी खा रही हूँ, जब मुझे दिखता है प्लेट में तो आई फील गुड, दिस इज़ लुकिंग सो क्यूट। I love this. And voila, my beautiful veg platter looks so delicious and so beautiful. Comment करके जल्दी बताओ कैसा लग रहा है ये सारे मैंने chop किए हैं। सौते वेजी बनाने के लिए हम पैन में डाल रहे हैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, उसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून बटर, अब इसमें हम डालेंगे roughly chopped garlic, अब इसमें हम डाल देंगे सारी सब्जियाँ और इसको बहुत अच्छे से toss कर लेंगे। क्या किचन में क्यों आया तुम? वापस किचन में आया बदमाशी करने? जाओ। अब इसमें हम डालेंगे वाइट पेपर पाउडर, इटालियन सीजनिंग, ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। नाउ गिव इट अ गुड टॉस। ओ माय गुडनेस गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ, किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अमेजिंग फैब। डैश ऑफ वाटर हम डालेंगे इसमें, वी विल कवर द लिड एंड लेट इट कुक फॉर 2 to 3 minutes। माई सौते वेजीज आर रेडी। अब मशरूम सौते करने के लिए हम पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, थोड़ा मक्खन डाल रहे हैं, अब इसमें हम डाल देंगे गार्लिक, अब इसमें हम डाल देंगे हमारे ब्यूटीफुली चॉप्ड मशरूम्स, थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और नमक। सो हमारे सौते मशरूम्स आर ऑल्सो रेडी एंड ऑनेस्टली मशरूम का अरोमा मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, आई लव। ये रहा हमारा मैरिनेटेड चिकन, ये लास्ट 1.5 घंटे से फ्रिज में था, अब इसको हम करेंगे फ्राई। पैन में हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, हम मैरिनेटेड चिकन को पैन में प्लेस कर देंगे। अब इसको हम स्लोली कुक करेंगे। वाओ, दिस लुक्स सो गुड। स्टेक के साथ हम और एक चीज़ बनाएंगे, वो है मैश पोटैटो। ना मैश पोटैटो के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज पोटैटो बॉईल कर लिए, अब इसको हम करेंगे मैश। ना इस मैश पोटैटो को एकदम स्मूथ एंड सिल्की बनाने के लिए मैं तंड धाम भेद वेद जो भी होता है महाभारत में वो सब यूज़ करने वाली हूँ। जब तक मेरा स्टेक पक रहा है तब तक मैं मैश पोटैटो बना लेती हूँ। तो मैश पोटैटो के लिए यहाँ पे मैंने आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। नाउ वी नीड टू मिक्स दिस
all items really very well. आप देख सकते हैं how beautifully this texture looks. देखिए कितना सुंदर दिख रहा है. This is the texture which I wanted. Like so, mashed potato ready है. तो और चलिए देखते हैं chicken steak का क्या status है. While my beautiful, delicious lunch is ready, which is chicken steak with sauté veggies, sauté mushroom and mashed potato. तो चलिए अब खाते हैं, because I'm very hungry. So मैंने इसको slice कर लिया already. Very good. The flavors of the chicken is really very good because जो marination है इसको मैंने 1.5 hour के लिए फ्रिज में रखा था. जो marination है वो अंदर तक जा चुका है chicken के, तो chicken के अंदर भी बहुत अच्छा flavors आ रहा है. The sauté veggies and the sauté mushroom and mashed potato is actually enhancing the overall taste of the dish. इसके साथ एक herb rice भी खाया जाता है, but मैंने सोचा already इतना कुछ बना लिया, herb rice बनाने का और हिम्मत था नहीं. Guys definitely इस dish को आप घर पे बना के खाइएगा, because it's a very nice dish. बहुत जल्दी बन गया, बस marinate करने का ही time है, otherwise ये तो फटफट बन गया. And definitely मेरे को comment करके बताइएगा कि plating और overall presentation कैसा था, because that is also important. सो आई जस्ट वोक अप एंड लिटरली कुकिंग करने के बाद जो नींद आता है ना उसके बाद लाइक बॉडी एकदम लाइक इट लीव्स कम्प्लीटली, डोंट फील लाइक गेटिंग अप एंड आई एम फीलिंग क्वाइट फ्रेश राइट नाउ. देखते अभी पहले उठते उसके बाद सोचते क्या खाएंगे. सो अभी फॉर माई इवनिंग स्नैक्स आई हैव ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम दिस प्लेस कॉल हॉट लेबनीज. उनका एक स्पेशल था चिकन ड्रमस्टिक्स, सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस 4 pieces. ओके, this is a very nice aroma actually. KFC का fried chicken है ना, वैसा खुशबू आ रहा है. So, chicken shawarma roll. Wow. Okay. Wow. This looks quite good. काफ़ी अच्छे तरीके से grill किया हुआ है. Exactly like fried chicken. बस फ्राइड चिकन का जो ऊपर का बैटर होता है वो क्रिस्पी होता है, राइट? ये बिल्कुल वैसा खाने में, इस जस्ट कि वो लोगों ने इन्होंने डायरेक्ट ग्रिल किया है, बट सेम मैरिनेशन है. ओनली द फैक्ट कि वो ऊपर जो बैटर होता है वो बैटर नहीं डाला हुआ है. आप देख सकते हैं इसका चिकन इज सो टेंडर्ड, सो जूसी, इट लुक्स सो गुड. Now let us try the shawarma roll. Now shawarma roll ki to jo khasiyat hai, it's the chicken. Wow, pura neend khul gaya. Spicy, very spicy, very flavorful, very good. The chicken tastes very fresh. Aap dekh sakte hain there's a chicken, minced chicken, there's a capsicum. And ये चटनी is just tasting apt with this. See, shawarma point of view से I won't say it's good, क्योंकि best shawarma कलकत्ता में बहुत सारी जगह जहाँ मिलती है, but taste point of view से बहुत अच्छा है. कितना chicken भरती है इसके अंदर, my goodness. Feeling little better and charged up after the proper sleep and after eating that delicious shawarma roll. So guys, agar abhi tak aap video dekh rahe hain to please make sure ki aap channel ko subscribe kar lijiye, drop in the like because 12,000 ka like target hai, and also abhi tak aapko kya acha laga wo bhi comment karke batayega. Definitely I'm trying to make sure ki is video mein main different recipes do. Humne morning mein khaya tha नॉर्मल स्नैक्स लाइक पार्टी स्नैक्स लाइक ईजी प्रीजी स्नैक्स. लंच में हमने खाया कॉन्टिनेंटल फूड, इवनिंग स्नैक्स में हमने खाया लेबनीज, एंड नाउ बिफोर द डिनर आई थॉट ऑफ मेकिंग सम रियली डिलीशियस बारबेक्यू चिकन एंड पॉक्चर चिकन विद स्टिकी राइस. नाउ पॉक्चर चिकन इज़ अ वेरी नाइस चाइनीज आइटम एंड ये बहुत लाइट एंड बहुत डिलीशियस होता है. अभी मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी तो आपको पता चलेगा. दैट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डिश. सो चलिए बनाते हैं ना. अभी आप लोग बोलोगे कि इंडियन डिश क्यों नहीं शो किया एंड ऑल. गाइस दैट्स सो कॉमन, और आप लोग ने मेरे हर
वीडियो पे देखा होगा मैंने ऑलमोस्ट चिकन के सारे आइटम्स खाए हुए हैं एंड आई डोंट वांट टू प्रेजेंट और डिलीवर समथिंग कॉमन. मैं चाहती हूँ मेरे हर वीडियो के साथ आपको कुछ सीखने को मिले. सो चलिए बनाते हैं फिर. बारबेक्यू चिकन बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 चम्मच मैदा ले रहे हैं. आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं. 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून नमक. थोड़ा सा नमक डालेंगे बिकॉज बारबेक्यू सॉस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स एंड नमक रहता है. क्रश्ड ब्लैक पेपर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, ये चॉप्ड गार्लिक. अब इसमें हमने डाल दिया बारबेक्यू सॉस, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक एकदम थोड़ा सा, व्हाइट पेपर पाउडर, इटालियन सीजनिंग, टोमेटो सॉस एंड थोड़ा सा चिली सॉस टू मेक इट स्पाइसी. पॉप चॉप चिकन बनाने के लिए हम पैन में थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं. इस तेल में हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, इसके अंदर हम डालेंगे चिकन. देख सकते हैं ये थोड़ा सा पक चुका है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में विल ऐड चॉप्ड अनियन. हाफ टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून फिश सॉस, डैश ऑफ सेसमी ऑयल, व्हाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, क्रश्ड ब्लैक पेपर. मिक्स दिस. थोड़ा सा हम लोग रेड चिली सॉस डालेंगे फॉर द टेस्ट. अ पिंच ऑफ शुगर. मिक्स दिस. इसको थोड़ा ढक देंगे. सो ये थोड़ा चिकन पक चुका है. दिस इज द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड अ पॉक चॉय. वाओ, दिस ग्रीन लीफी वेजीज, दिस लीव्स लुक सो गुड. बस गिव इट अ गुड टॉस. वाओ, जैसे ही पॉक चॉय चिकन में इन्फ्यूज हुआ ना, द अरोमा इज अमेजिंग. एंड वोइला, माय पॉक चॉय चिकन इज रेडी. कंप्लीटली एग्जॉस्टेड but feeling very soulful and sinful looking at the beautiful items I have made. So dinner mein hum kha rahe hain pak chai chicken with rice, sticky rice, and uske sath I have got some barbecue chicken wings. Oh gosh, it's very nice. There's a smoky flavor, it's spicy, it's sweet, it's tangy, a lot of flavors. And the meat is really very juicy. After, you know, putting so much of hard work on cooking, when you get to eat such good food, you feel like sinfully delicious. Food fam, you need to thanks me like millions and zillions and trillions of time into the comment section, because I have shared such delicious and easy recipes. ये आप घर में आराम से बना के खा सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज वापस भी बोल रहे कमेंट करके बताइएगा मेरा प्लेटिंग एंड स्टाइलिंग कैसा लगा. तो चलिए अब खाते हैं माय फेवरेट पॉक चॉय चिकन विथ स्टिकी राइस एंड आई एम रियली लविंग द प्लेटिंग अ लॉट. वाओ, आई लव 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 पॉक चॉय. अब ब्यूटिफुल द कलर लुक्स, एकदम हल्का प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर है एंड जो पॉक चॉय का ग्रीन कलर है, दिस लुक्स सो गुड. गुड फूड, लाइक गुड लुकिंग फूड मेक्स मी फील सो गुड. वाओ, जो पॉक चॉय का फ्लेवर्स है ना, दैट इज वेरी नाइस. जो ग्रीन वेजिस का जो फ्लेवर्स होता है, एंड मैंने पॉक चॉय स्टेन के साथ रखा हुआ है बोल के उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आ रहा है. अगर आप ज़्यादा चॉप कर दोगे ना तो पॉक चॉय का फील नहीं आएगा. एंड चिकन इज वेरी वेल कुक्ड, उसके अंदर बहुत अच्छे से सारा जो जितने भी हमने सॉस एंड इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो चिकन के अंदर बहुत अच्छे से घुस गया. चिकन इज टेस्टिंग वेरी जूसी. ये जो पर्टिकुलर डिश है ना, इट्स वेरी लाइक सॉल्टी, बेसिकली सॉल्टी बिकॉज इसके अंदर हमने फिश सॉस डाला हुआ है, सोया सॉस डाला हुआ है, तो थोड़ा सा सॉल्टी है एंड लिटिल टैंगी, वेरी लिटिल टैंगी. अगर आप चाहो तो इसको अपने फ्यूजन में बना सकते हो. मैंने ऑथेंटिक ट्रेडिशनल वे में बनाया हुआ है. दिस इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट food one can have, and it has a lot of good benefits. Like you have protein, you have fiber, you have minerals, you have carb, all in one plate. So
सो चलिए मैं इत्मीनान से पीसफुली अपना डिनर फिनिश करती हूँ. आई रियली 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 होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो एज यूजुअल लाइक एनी अदर वीडियो ऑफ माइन. एंड आई होप कि आज आपने कुछ नया सीखा. तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर फूड चैलेंज विद अनदर न्यू रेसिपी विद अनदर न्यू एक्सप्लोरेशन. टिल देन व्हाट टिल देन ट्राई आउट ऑल दिस चिकन डिश कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग्स. बाय बाय. गुड नाइट.